बापू का समाधि स्थल है वीरेश, वो भी पानी में डूबा हुआ जो हमें खबर मिल रही है। पूरी देश की निगाहें राजघाट पर हैं वीरेश, ताजा हालात बताइए वीरेश। देखिए अभिषेक, मैं आपको एक और जानकारी सरकारी हवाले से दे दूं। अरविंद केजरीवाल की जो बैठक है, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक ले ली है। एनडीएमसी के अधिकारियों के साथ अहम बैठक अरविंद केजरीवाल की हो गई है और एनडीएमसी के अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि जो जल भराव की स्थिति है आईटीओ पर, राजघाट पर जो महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ को जल्दी से जल्दी उसे ठीक किया जाए और पंप लगाकर उस पानी को निकाला जाए। और आनन फानन में अपने मंत्रियों की भी उन्होंने बैठक बुलाई है। उन्होंने साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने एलजी से भी बात की है। एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच में इस बाबत बात भी हुई है, क्योंकि मिलकर काम करने की बात एबीपी न्यूज से विनय कुमार सक्सेना जो एलजी हैं उन्होंने कल कहा था कि हम कोई राजनीति नहीं करने हैं, हमें तो केवल काम करना है। इसलिए एक और राजनीति तो हुई है अभी, जो उनके जल मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने आरोप केंद्र सरकार और भाजपा पर लगाया। लेकिन अभी इस राजघाट पर, अभिषेक, राजघाट पर वीरेंद्र सचदेवा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए और एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि बेशर्म है केजरीवाल, झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, केजरीवाल के मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगातार आरोप का दौर चल रहा है। और आरोप के दौर के बीच में जमीनी हकीकत भी समझे, जहां पर इस समय हमारी संवाददाता निधिश्री मौजूद है, आईटीओ बैराज वो जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निधिश्री ने ये खबर सबसे पहले दी थी कि वहां पर बाकायदा मुंबई से नेवी की टीम को बुलाया जा रहा है, आर्मी वहां पर लगी हुई है, और जो 5 गेट है निधिश्री, वो अगर खुलेंगे तो बड़ी राहत की सांस होगी। मुझे अपडेट बताई, चूंकि आप जो अपडेट देंगी उसका इंतजार मुझे को नहीं है, उसका इंतजार पूरी दिल्ली को है। निधि, अभिषेक, 5 में से 1 गेट खोल दिए गए और दूसरा गेट भी खोलने की कवायद जो है वो जारी है, और इन गेट्स के खुलने के साथ ही दिल्ली वालों के राहत के गेट्स खुलेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि मेरी बातचीत अभी एबीपी न्यूज़ की इंडियन नेवी के कैप्टन से हुई है, और जिसमें उन्होंने जो अहम जानकारी दी है वो ये कि सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो अब ख़त्म होने लगी है, क्योंकि सिल्ट यहाँ पर जो था, जिसकी तस्वीरें हमने सुबह से एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को दिखाई, कि जो सिल्ट होने की वजह से यहाँ पर कर्मचारी जो है, जो गोताखोर हैं, वो काम नहीं कर पा रहे थे, वो सिल्ट अब निकाल लिया गया है। और अगर इसके अलावा अगर दूसरे गेट में, अगर मेरे सहयोगी आपको दिखा सके कि दूसरे गेट में भी अगर सिल्ट है, तो इसके लिए इंडियन नेवी की टीम आ रही है और अंडर डाइविंग टेक्निक्स जितने हैं अंडर वाटर के, उन सबके साथ लेकर आ रही है, यानी कटर से काटा जाएगा। और एक और बड़ी राहत है, चूँकि दिल्ली में पानी का जो स्तर है, वाटर लेवल है, वो कम हुआ है, और यही वजह है कि इंडियन नेवी से की टीम जो है वो कह रही है कि अब मैनुअली भी काम किया जा सकेगा, तो ना सिर्फ मशीन के सहारे बल्कि मैनुअली भी काम को किया जा सकेगा, और ये जल्द से जल्द बिल्कुल पूरा हो जाए। हालांकि आप जो बात कह रही हैं उसको हम अंडरलाइन करेंगे निधि, और हम चाहेंगे कि ये आपने एक बड़ी जानकारी दी, आपने दी है कि एक गेट खुल गया है, और हम चाहेंगे कि डेस्क इस खबर को फ्लैश करे कि एक गेट खुला है, क्योंकि ये एक गेट नहीं है, दिल्ली वालों के लिए राहत का गेट है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।